प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे जैसे तक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ आपके सम्मुख आया हूँ। आज मैं खूबसूरत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर कार्य इतने खूबसूरत होते हैं जब वो करते हैं प्रकृति के लिए, बारिश के लिए, है ना, तो बहुत मन भावने होते हैं। और हमें देखो, हम चंगाई के लिए, वरदान के लिए मांगते रहते हैं, कभी हम परमेश्वर की उन चीज़ों को भी देखें और उन चीज़ों को याद करके प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर धन्यवाद, तूने हमें ठंडी हवा खिलाता है ना, ऑक्सीजन हमें देता है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने कितना अच्छा प्रकृति बनाया, कि परमेश्वर हमारे लिए तो बनाए और किस प्रकार से प्रभु इसको कार्य करने की अनुमति देता है। रात दिन में, दिन रात में बदल जाती है, ये सब कुछ अपने अपने समय पे होता है। और क्या ही मन भावना होता है, हम मन भावने के लिए टीवी देखते हैं, है ना, मनोरंजन देखते हैं, ये करते हैं। अरे परमेश्वर की प्रकृति को देखो, है ना, और इसको मंथन करो। सोचो कि वाक्य में कितना अच्छा लगता होगा कि परमेश्वर आगे देते और सब कुछ हो जाता है, बारिश हो जाती है, मौसम बदलने लगते हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर की बड़ाई है। जैसे कि कोई आपका बच्चा कोई ड्राइंग बनाता है तो उसकी बड़ाई करते अच्छा लगता है, तो परमेश्वर ने ये ड्राइंग क्या कर रखा, पूरा सृष्टि रची है। तो ये चीज़ जब वीडियो मेरे पास आई, मैं वीडियो को दिखाऊंगा, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं परमेश्वर के कार्य को देखा और सराया, वाक्य में हम धन्य हैं हम लोग जो हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं। और बहुत अद्भुत वीडियो है, ये तो बहुत अद्भुत वीडियो है, और जब आप देखोगे तो आपका भी मन खुश हो जाएगा। हालेलुया, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, तो क्योंकि जब हम प्रभु के कार्य को देखते हैं, जैसे प्रभु ने मुझे हमेशा बताता है, धनुष का निकलना बादल में से, है ना, बिजली गिरना, तो बारिश भी परमेश्वर कैसे करवाते हैं, बादल कैसे बनवाते हैं, है ना, कैसे आज्ञा देते हैं, और कैसे बादल आसमान छोड़कर धरती पर आकर कोहरे से उठकर, सब कुछ कहीं नहीं लिखा, सिर्फ बाइबल में लिखा है। कई किताबें मत ढूंढो, वचन पढ़ो, पूरी सृष्टि का रचना इसी में है मेरे जीजो। एक एक पल प्रभु ने वचन में लिख रखा है, हमें चित पर नहीं चढ़ता, हम देखते नहीं, इसलिए हमसे उज्जवल हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ने वीडियो के माध्यम से मुझे हमेशा बताते हैं ताकि आप देखें। आइए पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रेजर देखा, क्या ही अद्भुत वीडियो है। धरती से कोहरा उठ रहा है, आसमान में जा रहा है, फिर बादल बन रहे हैं। हालेलुया, ये कहाँ लिखा है, ये वचन में लिखा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा, आपने हमारी आंखें खोली, और जब हम आपके काम को देख रहे तो हम पिता का धन्यवाद कर रहे हैं। वाकई में आपके काम क्या ही भयानक और अद्भुत, और पिता एक अद्भुत कार्य काम है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वचन कहता है वो अपने काम से लोगों को भयानक भय योग्य दिखता है ना, उसके काम क्रोध में भी है, बिजली का गिरना, और उसके काम कितने ही प्रकृति को लेके है, फूल पत्ती का सजाना, है ना, फल फूल प्रकृति की चीज़ें। ये परमेश्वर की दीन है, हम इसे दंडवत नहीं कर सकते, हम इसे मान नहीं सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि परमेश्वर इसे सब कुछ हमें दिया है, हम उसको मानते। जितना सूरज बनाया, चांद बनाया, सृष्टि बनाए, हम सृष्टि की आराधना नहीं करते, हम चार सूरज की आराधना नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, वचन है 135 भजन संहिता, भजन संहिता 135 उसका सातवां वचन, वह पृथ्वी को पृथ्वी की छोर से, देखो क्या लिखा है, वह पृथ्वी की छोर से कोहरे को उठाता है, ऐसे हो रहा है, और वर्षा के लिए बिजली बनाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। बिल्कुल मेरे जी, यही वीडियो का सारांश है, यही वीडियो का तात्पर्य है दिखाने के लिए कि परमेश्वर कैसे बिजली बनाता है, कैसे कोहरे को उठाता है,
और ये काम देखकर मन को संतुष्ट होता है कि कितना अद्भुत कार्य हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसे वीडियो देखने के बाद भी हमें आशीष मिलती है, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को सराहते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ये प्रभु को अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर के कार्य को धन्यवाद देते हैं, प्रकृति के रूप में धन्यवाद देते हैं, जब आप खाना खाओ या कोई भी ऐसी चीज देखो, आप प्रभु धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद कि तूने आज दिन दिखाया, सूरज दिखाया, ठंडी हवा खिला रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, वाक्य में आपका एक एक काम अद्भुत है, वह योग्य है, देखने काबिल है पिता। आपने बारिश, वर्षा, प्रकृति, फूल पत्ती, जितने भी पिता सृष्टि बनाए, सबको पिता अपने लिए ठहराया है और हम उसके लिए आनंदित होते। हमें हम पिता आपने मनुष्य के लिए सब कुछ कराए, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत वीडियो के लिए और पिता इस ज्ञान के लिए जो आपने मुझे दिया है, ताकि लोग तेरे कार्य को देखें और तेरे कार्य को देखकर तेरा धन्यवाद करें। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर कार्य को देखकर धन्यवाद देना बहुत बड़ी बात है। जय।